Dulhania, the film, which we all are waiting for. My name is RJ Glenn from Fever 104 FM, and I'm going to be your host today. Thank you so much, the media, the press, the photographers, journalists who are here, and of course, Badri and his Dulhania. All right, ladies and gentlemen, without any further ado, I'm going to say we're going to be welcoming our guests for the afternoon. Please put your hands together for the very cool, the very dashing Varun Dhawan, and yes, the very, very beautiful Alia Bhatt. You know, जब से आपकी वो जो Instagram stories है, पहले mics please देते। You know, the very cool thing is, जब भी वरुण अपना गाना सुनते हैं, वो गाड़ी में डांस करना शुरू कर देते हैं और फिर वो Instagram story बन जाता है। हमने इनके इतने सारे Instagram stories कैप्चर किए, वरुण वो फीलिंग क्या होती है, मतलब गाना बजते ही आप ऑटोमेटिकली अंदर से हो जाता है। You know, honestly, ये पहले तो सबको व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग, थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग टूडे। आले ने बोला आज सैटरडे है, मीडिया को थैंक यू बोलना ही कि सैटरडे के दिन सुबह में आए सब लोग। हाँ, वीकेंड है ना, ऑफ कोर्स। कल रात को पार्टी किया है? हाँ, किसी ने पार्टी किया है? सबने पार्टी किया है। शी इज पार्टीड। ओह सुपर्ब। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एट द इन द 12 इन द आफ्टरनून। नाइस। बट यू नो, जेन्युइनली अगर मैं कोई भी फिल्म करता हूँ, वो फिल्म से एक दो गाने होते हैं जो ऑब्वियसली यू लाइक मोर देन द अदर सॉन्ग्स। तो जब मुझे कोई भी गाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इफ यू प्लेड एनी वे आई माइट स्टार्ट डांसिंग, इवन इफ आई एम ऑन द रोड एंड प्लेज, आई जस्ट लाइक गिव अ लिटिल। आई टेल यू, वरुण को खुशी होती है कि मेरा गाना बज रहा है, इट्स प्लेइंग। तो इवन आई एम ऑन द फोन विद हिम एंड सडनली द सॉन्ग विल स्टार्ट प्लेइंग। अगर हम लोग कोई इंपॉर्टेंट भी बात कर रहे हैं ना, ही स्टॉप टॉकिंग एंड सेड द सॉन्ग इज प्लेइंग, चेंज, पुट द चैनल। So it is just in excitement, passion or excitement. It's only passion. Varun, but we have to do something, touch wood. This man has till date not given this industry a single flop film. Please give him a big round of applause. He's one of the most successful actors of our generation. I think Varun, aap jo bhi karte hai na, wo sa ek midas touch jaisa hota hai, midas touch. Ho hi jata hai. So I think recreating this song, itna sara dancing, itna sara, mera trailer bada hi cute tha yaar, bahut cute laga mein. Is gaane ke piche Madhuri ji and Sanju Baba, how is that feeling? Matlab, एंड सरोज जी, आई थिंक हम सब बहुत नर्वस थे, मी, वरुण, शशांक, बॉस्को, हु इज कोरियोग्राफ द सॉन्ग, एंड वी वर ऑल वेरी नर्वस। पर आई थिंक हमारा एक ही एजेंडा था कि हमको रिक्रिएट नहीं करना है, हमको ट्रिब्यूट देना है ऑलमोस्ट। कि हम लोग जब क्लब में होते हैं, आई एम श्योर जिन्होंने भी रात को क्लबिंग किया है, आई एम श्योर जब बॉलीवुड नाइट होता है और अगर कोई पुराना गाना बजता, वी ऑल गेट सो एक्साइटेड, राइट? तो ये वही है, पुराना गाना बज रहा है, ट्रिब्यूट, यू नो। और आजकल ट्रेंड चल रहा है टू रिक्रिएट द ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, बट व्हाट वी हैव डन इन दिस, व्हाट्स डन ब्यूटीफुली बाय तनिष्क, हु इज आवर म्यूजिक डायरेक्टर, वी हैव रिटेन द ओल्ड वॉइसेस। बप्पीदा की आवाज है, अनुराधा पोडवाल की आवाज है इसमें, अमीन सियानी इज ऑल्सो देयर, सो एनी ऑब्वियसली आरजे आप हो तो आपको पता है, हु ही इज अ लेजेंड इन द आरजेइंग वर्ल्ड, अमीन सियानी की भी आवाज है इसमें। सो वी हैव एक्चुअली, इट्स एक्चुअली अ हैशटैग टीबीटी, इट्स एक्चुअली अ थ्रोबैक, एंड बादशाह इज ऑल्सो रैप्ड इन दिस, सो इट्स अ फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड न्यू। एंड आई थिंक सबसे ज्यादा प्रेशर बॉस्को के ऊपर होगा, ही इज ओवर हियर, किधर छुपे हुए बॉस्को, सुभाष घई की टोपी चुरा के आए वो आज, पर क्योंकि बॉस्को, आर यू स्ट्रेस्ड रिक्रिएटिंग दिस सॉन्ग, बिकॉज़ सरोज जी बीइंग द लेजेंडरी कोरियोग्राफर दैट शी इज, झूठ बोल रहा है आदमी, बट नो, आई थिंक वी ऑल वर लिटिल नर्वस ऑब्वियसली, बट दिस इज आवर टेक ऑन इट एंड वी डोंट टेक मोर टाइम। आई नो यू ऑल वांट टू सी द सॉन्ग, जज इट, क्रिटिसाइज इट, प्रेज इट, बट हम लोग ने दिल से किया है, लाइक और डिसलाइक इट, यू ऑल कैन से व्हाटएवर यू वांट, बट वी ऑनेस्टली हैड अ ब्लास्ट डूइंग इट एंड वी ऑलरेडी गॉट अ थम्स अप फ्रॉम बाबा एंड माधुरी जी। सो लेट्स हैव द सॉन्ग, लेट्स हैव द सॉन्ग गाइस, सी इट एंड
थिंग तो एक काम कर दे We'll do it. We'll. Shashank Khaitan. Shashank knows all the hooks. He doesn't know Khaitan fan. He's done it. He's still very, very popular. All right. So, yahan par, what we're going to do is, you're going to teach the audience. I think Bosco should teach everyone. Okay. First, Shashank. I think we'll teach, I think. Shashank himself used to be a dancer, by the way, guys. Let's do specialized jobs. No, but how are you feeling seeing this? That is fantastic. There's too much pressure when Varun said we're doing Shashank, we got Tamma Tamma. So there was so much pressure on us to recreate this world because I think they're taking some 10 days and that's how I rehearsed for 19 days. 2 months he told us. 2 months, yeah. Sanju sir told us, we met him last night, he said, maine 2 mahine ke liye rehearsal kiya tha. Shashank was only 4 days. But Varun, how did Sanju Baba actually tell it to you? Matlab, how did he say it to you? यार मैंने तो 2 महीने के लिए रिहर्सल किया था और ही टोल्ड आलिया टू पुट द स्पीकर ऑन एंड देन आलिया टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ही टोल्ड आलिया यू ड्रंक और एम आई ड्रंक आई थिंक कैन यू टीच अस दिस स्टेप कैन यू हो जाए हमारे ऑडियंस हमारे लिए तो जॉस्को आई थिंक यू शुड गो फॉर इट बिफोर वी डू दैट वी कैन एंड दिस विद दैट डू यू गाइस वांट टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट नो डांस पहले करेंगे I think Varun and Alia should show us what they learned from Madhuri ma'am. Yeah, Madhuri ma'am, postdoctoral something. Show us that. Madhuri ma'am ne humko original hook step sikhaya. Varun, please dikhaiye. Nahi, nahi, nahi. Chalo. Original kya tha? Yeah, I think jo humme aata hai, hum log wahi karte hai. Bhai, hum log ka grade thoda lower hai. Matlab high hai, sorry. Chalo, aajo, bhai. Aajo. Nahi, grade low nahi. Tu decide kar le. Oh, mast hai. Nahi, par humne version kiya, if you all have noticed, humne wo kick wala step bhi kiya tha. What hai? I caught it now, ma'am. Ma'am, मैं आपको Valentine's Day पे बाहर लेके जाऊँगा। इस बार आप हमेशा से मेरी। But you actually got the original step. I was still struggling. No. You got it. She's saying, yeah, that's right. Yeah. But it's right. सच है। But okay, boss, why don't you show us the tamma tamma step? I think. Yeah. But music के साथ. में 150 अवार्ड होते हैं उधर आके हम लोग नाचते ही नाचते हैं ऊपर से इधर भी नाचते हैं पैसे देना बंद कर देंगे अवार्ड फैबुलस अब आपके तरफ से सांस वापस ले लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन प्लीज आपका नाम लीजिए आपके हाय फिर सवाल पूछिए वरुण आलिया मेरा सवाल आपसे है कि पहले वाले गाने की क्या यादें थी आपकी अगर आपको याद आता हो
चेयर निकाल लेते नहीं चाहिए, हम खड़े रहेंगे. थैंक यू. किधर से बोल रहे हो सर? हाँ आरजी आलोक सर, आप नए नए लुक में आते हैं रोज सर, पार्टी के हिसाब से. हाँ आज आप कोई दूसरे देश के लग रहे हो. इसका मतलब क्यूबन टुडे, ये लोग ना क्यूबा माफिया लगा. तो फिर रेट्रो वाइब है आपका, बहुत अच्छा लग रहा है. सॉरी सर. हाँ जी बोलिए. तो पहले वाले गाने की क्या यादें हैं, अगर आपको अगर आज याद आता है कि संजू बाबा माधुरी स्टेज पे? अगर वो आज ये स्टेज पे होते तो हम लोग ये बिल्डिंग में नहीं होते. पर नो, आई थिंक व्हाट वी डिड वाज, हम लोग ने जाके संजू सर को गाना दिखाया, हम लोग ने जाके माधुरी मैम को गाना दिखाया, एंड दे बोथ गेव अस दैट इनकरेजमेंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर सो फायर्ड अप टुडे. मोर देन दैट, आई थिंक बप्पी दा, हु इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ दिस ट्रैक, ही इज री रिकॉर्डेड हिज वॉइस आफ्टर सो मेनी इयर्स. ये बप्पी दा री रिकॉर्डेड हिज वॉइस, ही इज इन दिस ट्रैक, एंड व्हेन ही गेव हिज ब्लेसिंग, आई मीन आई स्पोक टू हिम सेइंग तो मेरा बच्चा आया एंड ऑल, सो आई फेल्ट सो गुड अबाउट दैट. एंड संजू सर तो सेड ही इज प्लेड विद आलिया एज अ लिटरली लाइक अ टॉडलर, लाइक एज अ चाइल्ड. एज अ चाइल्ड मतलब योर बेबी? आई वाज अ बेबी व्हेन आई वाज, आई एम स्टिल अ बेबी बट अरे अभी तो आलिया बड़ी हो गई या नहीं बड़ी हो गई है? अभी हो गई यार. Nobody is agreeing. Three people have said हो गई है. सब लोग कह रहे नहीं बच्ची है अभी. और इसमें नागिन वाला व्हाट डू आई फील, मैं अभी 24 की होने वाली हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी हो गई है. 24 पिछले साल से बड़ी हो गई हूँ मैं. आलिया माधुरी इज नोन फॉर अ ग्रेट डांसिंग मूव्स, वाज इट अ लिटिल डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट टू स्टेप इनटू हर शूज फॉर दिस? तो मैंने एक्चुअली ट्रेलर लॉन्च में ही बोल दिया था दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टेप इनटू हर शूज बिकॉज दैट इज टोटली इम्पॉसिबल. ऑब्वियसली बहुत, इनफैक्ट जब हम गए थे उनको दिखाने के लिए मैं ऐसे बैठी थी वहाँ पे, बिकॉज आई वॉज सो नर्वस क्योंकि मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी. एंड वरुण सिंह यू नो आलिया आई वॉन्ट टू टेक अ वीडियो ऑफ माधुरी जी, बट लुकिंग एट यू आई जस्ट वॉन्ट टेक अ वीडियो ऑफ योर एक्सप्रेशन राइट नाउ. मतलब माधुरी मैम ऐसे देख रही थी और आलिया माधुरी मैम को देखे. थ्री मिनट्स आलिया वाज जस्ट लाइक The night before that, मेरे को सपने आ रहे थे कि I was supposed to go to a house and I forgot to go and I was getting nightmares and getting so scared because even it's such even a when we went to meet Sanju sir, so we were sitting in the car and Alia told her driver सुन आ बाबा के घर लो, बाबा के, सर बाबा के घर, तेरे दोस्त है क्या बाबा के घर? One second, I said आपको संजय दत्त का घर पता है? He said हाँ पता है. Then Sunil, my driver, who's a very big fan of Sanjay Dutt, he told Manoj, who is Varun's driver, बाबा के घर जाना है. So he is the one who said Baba, not me. No, but everybody calls him Baba, so then, but I said Sanjay Dutt. Can you share some anecdotes, both of you, about your first meeting with both Sanjay and Madhuri as a child? Actually, I have a great, my dad was doing this film with Madhuri ma'am called Yarana, which had Rishi Kapoor and her. And we were shooting in Switzerland. And there would be these long bus rides where we would go and In the bus, we would play the song. Sorry, in the bus, we would play the song. And I would remember dancing with her. I would dance a lot with her. So, in fact, recently when I met her, she said, Varun, the way you danced with me in that bus, till date, you've never danced on screen like that. Because obviously, I was much younger then. And she's like, the day you do that, that's the time you'll be completely free. Because you didn't care who I was, what I was. You were just dancing and enjoying yourself. I mean, I didn't, in my brain at that time, I couldn't fathom that I was dancing with the country's biggest star at that moment. But so I've danced with her in a bus. Alia, you had your own version of Chaiya Chaiya, but in a bus. मुझे याद नहीं है exactly. I remember having Sanju around as a kid a lot क्योंकि he spent a lot of time with my father, so he knows me since I was a child. Madhuri ma'am, I think I met when I became an actor only. I don't think I met her. But actually, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि you know I know you since you were so small. But when I was so small, I had no idea who anybody was. I'm still so small only. वरुण इसमें नागिन जैसी लड़की का क्या है? कुछ वो फिल्म में डायलॉग सी लड़की सर इसमें नागिन बीन बजाती हुई नागिन वैसे ना ये है ना नगीना तो सिर्फ गाने में है या फिल्म में भी ऐसी कुछ बातें होंगी? फिल्म में भी है एक्चुअली. स्टूडेंट ऑफ द ईयर से ये जोक चलता था जब मिकी कॉन्ट्रैक्टर इनका मेकअप करते थे, ये अपना लिपस्टिक खा जाती थी तो लिपस्टिक डालते थे, ये खाना नहीं खाती थी बिकॉज़ शी वाज ट्राइंग टू लूज वेट, लिपस्टिक खा लेती थी. So we would call her Nagina. Actually, मेरा pet name है Nagina, but I think उसका इससे कोई relation नहीं है. I think that's all credit to Tanishq Bagchi, who's the music director. And who's recreated the song beautifully for us. Amin Siani ki awaaz hai. He's 90 years old, guys. And he's recorded this voice is his real voice. And he's done it now. So, I mean, thank you, Amin Saab, for doing that for us. Thank you.
Shashank, hi. Any particular reason for choosing this song? And how did you... And where does this song fit in the movie? Is it just a promotional or like how does No, it's very much part of the movie. It's as we mentioned earlier, the fact that, you know, when we go out and we club, and if an old Bollywood song plays, we know the song, we lip sync to the song as well, and we kind of try and do all the popular dance moves. So that's exactly how it is placed in the movie. It's a bunch of friends going out, they're partying, and when they go out partying, it's the song that plays. And the whole idea, even when I met Bosco for the first time, we said that let's not try and create any new dance move, but let's try and give our tribute to the 90s. Let's give a throwback to all the 90s, because what happens is everyone doesn't know the hook step. So they know one hook step, and then we start putting in all the other hook steps of all the other song in the same song. So that was really the idea of recreating it. And why Tamma Tamma? I mean, if someone offers me Tamma Tamma again, I'll do it all over again. It's a fabulous song. You'll I was 9 years old me. When I heard it the first time. You'll have to do it with me again. Which one? Again with Bosco. Correct. Hi, Varun and Alia. The song is fabulous. जब आपको पता चला कि ये सॉन्ग करना है हाउ मच वी यू एक्साइटेड एंड डेफिनेटली वी नो के वरुण एंड आलिया आर लाइक वेरी डांस फ्रीक इन फैक्ट लाइक यू नो तो हाउ मच यू एंजॉय शूटिंग डांस फ्रीक फ्री ऑफ डांसिंग हां या आलिया इज अ फ्रीक आई डोंट नो आई वाज वेरी एक्साइटेड वरुण एक्चुअली वाज द वन हु कॉल्ड मी अप एंड सेड आलिया वी आर डूइंग तम्मा तम्मा वी हैव टू ब्रिंग आवर ए गेम ऑन वी हैव टू रिहर्स वी हैव टू लुक अमेजिंग वी हैव टू लुक स्मैशिंग बिकॉज़ दैट्स व्हाट वरुण ऑलवेज डज ना ही ऑलवेज कॉल मी अप एंड चार्ज मी अप एंड इफ आई एम इवन लिटिल बिट डाउन आई सडनली बी अप एंड ऑल ओवर द प्लेस बट दैट्स एक्चुअली हाउ एक्साइटेड वी वर एंड एज शशांक सेड इफ वी हैड गिवन द चांस वी विल डू इट ऑल ओवर अगेन बट आई एम ग्लैड यू गाइस लाइक्ड इट हिट हो गई ना या डेफिनेटली वरुण व्हाट यू नो आई विल टेल यू समथिंग वेरी ऑन दिस इज It might sound freaky. I knew I'm going to do this song someday in my career. And this happened to me when I was 16 years old, working out with Sanjay Dutt in his own gym. And he had his CD displayer that time. And there was this Tamma Tamma written on it with Felpen. So it was the original mix version, I mean, of that time. And I said, Sanju sir, can I play this? And I was like, yeah, play. And he was in a ganji and he had this. वेट मारने के लिए वो बैंड पहन थे वो पहना हुआ था एंड वी पुट इट ऑन एंड द डंट 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 एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम एंड ही इज डबल माय साइज बट आई वाज लाइक डूड अगर मैं ये गाना करूँगा तो मेरा क्या होगा लोग पागल हो जाएंगे तम्मा तम्मा अगेन आई स्टार्टेड इमेजिनिंग वो बबल आता है एंड इट्स हैपेंड नाउ एंड आई इफ यू ड्रीम इट इट कैन हैपन आई जस्ट यू नो वेरी वेरी फ्रीकी स्टोरी टू दिस इज व्हेन आई वाज स्टार्टिंग फिल्म मेकिंग इन माय इंस्टीट्यूट वी ऑल 90s फैंस एंड द मिनट तम्मा तम्मा यूज्ड टू प्ले आई वाज लाइक दिस सॉन्ग इज गोइंग टू बी इन माय मूवी वन डे सो इट इज सो फ्रीक एंड आई नो ऑल माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी थिंकिंग अबाउट इट सो बट वी हैव टू थैंक टी सीरीज भूषण सर फॉर एब्सोल्युटली ही प्रॉमिस्ड अस दैट ही इज गोइंग टू डू द स्टेप विद अस बट आई डोंट थिंक ही इज कम Bosco, what I have to say about your experience doing this song and when you came to know about this particular song ki ye song karna hai Arun hai, Alia hai. What was your preparation from your side? Actually, Shashank made it very easy. Usne bola, we'll retain the steps. To mere liye bahut easy ho gaya tha. And he brought in a new idea. He said that there's this new thing that's called mannequin challenge that's happening. And we retained that and in a very cool way. So we had a lot of ideas. So if you see that the glass, the water spilling, we have actually used wax. So it's all in mid-air. So it's all live. And then there's a record player which we hung through the tangus. So I'm giving all these secrets so that you guys know. And these cool ideas came in and with Alia and Varun, who's a ball of energy, when khade rehte hu aisa lag raha dance kar rahe. So I think it's fantastic to work with them and recreate this whole world which was done by legends. So we're proud to be a part of it. Bosco, Alia, Varun. आज तुम चौथे कैसे गए पहले कैसे नहीं गए हाँ कुछ गड़बड़ है तभी ठीक है नहीं ठीक है हाँ ओके ओके तो हमने देखा सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन हमने देखा बहुत ही एनर्जी दिखाई आप लोगों ने गाने में लेकिन क्योंकि गाने की जो लाइन होती है तू प्रेमी से स्टार्ट होती है और वैलेंटाइन डे भी आने वाला है तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग करने वाले हैं आप लोग बोल दिया आई मिस्ड यू ये तुम्हारा जो सवाल मैंने बहुत मिस किया तू प्रेमी हमारे लिए कौन है वरुण मैंने तो तू प्रेमी मैं इनको बोल रहा हूँ रियल लाइफ में कौन है तू प्रेमी मुस्त कर था।
कौन है? मेरे कोई प्रेमी नहीं है भाई. वरुण एंड आलिया आज प्रॉमिस डे भी है तो आज अच्छा के भाई प्रॉमिस डे. अरे रोज कोई ना कोई दिन होता है यार, आज एक ही दिन है प्रॉमिस डे. प्रॉमिस डे तो आज आप हमको एक प्रॉमिस कीजिए. क्या? कि आज के बाद आप प्रेमी के बारे में नहीं पूछेंगे. आप तू प्रेमी देखिए बट पूछिएगा नहीं. और आज कोई प्रॉमिस डे मेरे को ये सब पता नहीं. आज एक ही दिन है जो मुझे बचपन से दिखाया था, उसका नाम है सैटरडे. प्रॉमिस डे किसने बोला है आज है क्या? अरे शशांक यस्टरडे वाज प्रपोज डे. वैलेंटाइन्स वीक किसने रखा है प्रॉमिस आज तक दुनिया में? वैलेंटाइन्स डे ठीक है. मेरे को क्या क्या प्रॉमिस हुआ था अब तक? नहीं हुआ है मेरे साथ टाइम है. शशांक हाय सशक्ष मैम यू आस्क मैम इनको पूछो तो फिर उसके बाद आप लास्ट टू क्वेश्चंस गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल अंकल दिस इज एब्सोल्युटली ऑसम. द सॉन्ग इज स्मैशिंग. थैंक यू. आई विल गिफ्ट यू दिस बॉल. एंड सिंस इट्स सो मच फन व्हाई डोंट यू शेयर सम फन बिहाइंड द सीन स्टोरीज फ्रॉम द सॉन्ग शूटिंग. वरुण से इट. वरुण आई वाज आउटस्टैंडिंग सॉरी बट आई एम नॉट अलाउड टू से इट. वरुण से इट. वरुण आई एम अलाउइंग यू से इट. प्रॉमिस प्रॉमिस कर लोगे तुम कर सकते हो. Alia cried while we were shooting the song. But that's not a fun anecdote at all. Because of Bosco. It was great fun for us. It was, keep quiet. Again? It was not because of Bosco. Thank God. Hello. But yeah, I cried. Varun, what about the other songs of the film? Paji, bolo ji. बाकी के गानों के बारे में कुछ बताइए. ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. बाकी के गाने भी बड़े चंगे जी. एक गाना है हमारा हम सफर जो नेक्स्ट रिलीज होने वाला है जो अखिल एक लड़का है नया लड़का. हाउ ओल्ड इज ही? अच्छा थोड़ा मेरे को लगा बहुत यंग है तो मैं बोल देता तो इम्पैक्ट होता. बट ही बट नया म्यूजिशियन है एंड ही इज क्रिएट उसकी खुद की धुन है एंड ही इज क्रिएटेड दैट. वी हैव दैट. देन देयर इज आशिक सरेंडर विच अमाल मलिक हैज डन फॉर अस विच इज एन आउटस्टैंडिंग ट्रैक. एंड देयर इज रोके ना रुके नैना जो एक इमोशनल ट्रैक है जिसने अमाल मलिक ने किया. एक हम लोग ने ये कोशिश की है फिल्म में ऑल द म्यूजिशियंस आर ऑल न्यू बडिंग टैलेंट्स एंड दैट इज द होल मतलब पूरे फिल्म में जो हमारी क्रू है एवरीवन इज प्रैक्टिकली न्यू. शशांक आप. We have some award winners also. One last question, guys. वरुण वरुण जी यहाँ पर. वरुण आपने गोविंदा का बयान सुना होगा. उन्होंने काफी नहीं सुना. आपने नहीं सुना तो मैं बता दूँ उन्होंने डेविड जी के लिए काफी कुछ कहा है. मुझे सुनाई नहीं दे रहा है. आज प्रॉमिस्ड है. शशांक. Yes ma'am. आपने इसमें बप्पी दा को क्यों नहीं रखा? म्यूजिक डायरेक्टर आपने उनकी वॉइस ली. म्यूजिक भी काफी अच्छा है लेकिन उनको क्यों नहीं रखा? दिस इज लास्ट क्वेश्चन ना गाइस. मैम एक्चुअली वी जस्ट हर्ड अ सॉन्ग. हमारे को ये गाना तनिष ने सुनाया. वी इमीडिएटली रिएक्टेड टू द सॉन्ग एंड द आइडिया वाज दैट ही सिंग्स इट. सो वी डिडंट रियली थिंक सो मच कि हम किसी को अप्रोच करेंगे या वी वर एक्सट्रीमली एक्साइटेड वी हर्ड दिस सॉन्ग एंड ही अग्रीड टू गिव हिज वॉइस एंड ही डिड इट विद हिज ब्लेसिंग. सो आई थिंक दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट. तनिष सेंड द सॉन्ग टू बप्पीदा आस्क्ड हिम and Bappida spoke to Tanishq and they had that conversation. I think Bappida gave his own views ki ye bhi kar sakte. So it's a very collaborative effort. This song will always remain Bappida's. It is his song and it will forever be Bappida's song. It will forever be Sanjay Dutt, Madhuri Dixit, Saroj Khan. It is their song. It is just how young people when they hear a song jo purana gana hota hai jaise aap log kabhi Devanand ka gana sunte ho ya Dilip Kumar ka gana sunte ho those memories get refreshed. So same way for us we go through that nostalgia. Like I was 9 years old when I heard the song for the first time and I think we feel extremely blessed that all of them have given us their blessings. We are really honored. So un sab ne bahut achhi cheeze boli and we are just praying that it works out well for us. Thank you. That will be it. Kya karna hai? हाँ फोटो करेंगे. उस जाने से पहले आपने देखा होगा गाने में कि हमने मैनिक्विन चैलेंज किया है तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे. एक बार हम सब मैनिक्विन चैलेंज कर लेते हैं. हाँ पता है ना मैनिक्विन चैलेंज 50 बार किया होगा. चलो हु इज रिकॉर्डिंग द मैनिक्विन चैलेंज? योर रिकॉर्डिंग. डायरेक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? इज गोइंग फॉर शूटिंग. ओके रेडी.